सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है, जिसके बाद बॉलीवुड के गलियारों में दुख की लहर दौड़ गई है। आपको बताएं, मंगलवार को देर रात कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से उनकी मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में मौत हो गई। सुब्रत राय के पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट और हर इंडस्ट्री में काफी अच्छे रिश्ते थे, वहीं बॉलीवुड में वो भी अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते थे। इतना ही नहीं बल्कि महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी उनकी दोस्ती बेहद गहरी थी। ऐसा कहा जाता है, जब अमिताभ बच्चन का फाइनेंशियली बुरा दौर आया, तब अमर सिंह, जो अमिताभ बच्चन के दोस्त हैं, वो बिग बी को लेकर सुब्रत राय सहारा के पास ही गए थे। तब उन्होंने अमिताभ की मदद की, यहाँ से दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी। वहीं अनुपम खेर ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सुब्रत राय की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, सहारा श्री सुब्रत राय के निधन की खबर सुनकर काफी दुख पहुंचा है। कई मौकों पर उनसे मुलाकात हुई, वो हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। अपने जीवन में वो काफी दयालु और बड़े दिल वाले थे। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। इसके अलावा मनीषा कोइराला ने भी सुब्रत राय के निधन पर ट्वीट किया और लिखा, वो शख्स जिसने अपने संघर्ष में जीवन में कभी हार नहीं मानी, प्रिय सर आपको श्रद्धांजलि। यही नहीं, फिल्म मेकर बोनी कपूर को खबर मिलने के बाद देर रात अस्पताल के बाहर स्पॉट भी किया गया। बिजनेस के अलावा सुब्रत राय का सिनेमा जगत से भी खास नाता रहा है। उनका एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस रहा, जिसका नाम सहारा वन मोशन पिक्चर्स है, जिसके बैनर तले सलमान खान की वांटेड और नो एंट्री बनी थी। साथ ही इस लिस्ट में मालामाल वीकली, दिल मांगे मोर, कंपनी, डोर, रन, कच्चा नींबू और सनी देओल की जो बोले सो निहाल जैसी मूवीज के नाम भी शामिल हैं।